अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑर्गन सिस्टम्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम्स। अब इंडिविजुअल लेवल में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ये ऑर्गेनाइज होते हैं और ये ऑर्गेनाइज होकर ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द टू फॉर्म ऑर्गन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म द इंडिविजुअल। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये बॉडी के अंदर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर कोऑर्डिनेटेड। तो इससे एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द इंडिविजुअल आर कोऑर्डिनेटेड। यानी सारे सिस्टम्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स ये मिलके काम करते हैं, देयर इज कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो फिर इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। मिसाल के तौर पे जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट ये तेज़ हो जाती है, इसके अलावा हमारा मस्कुलर सिस्टम ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है, फिर हमारी जो रेस्पिरेशन है ये तेज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन भी तेज़ हो जाती। अब हार्ट बीट तेज़ होती है या रेस्पिरेशन तेज़ होती है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो तेज़ हो जाते हैं। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस तेज़ होते हैं तो उसमें ताकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है और रेस्पिरेशन जो है वो तेज़ हो जाती है। इसी तरीके से हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। हार्ट का क्या काम है, इसने ब्लड को पंप करना है ताकि पूरे सेल्स को पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जा सके। ब्लड सप्लाई का क्या मतलब है, ब्लड सप्लाई का मतलब ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स को मिल सके। तो ये देयर इज़ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द सिस्टम्स।
इनको हेड कौन कर रहा होता है, हार्ट को, मस्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कौन हेड कर रहा है? सारी बात है हमारा नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम की भी कोऑर्डिनेशन है, मस्कुलर सिस्टम की भी कोऑर्डिनेशन है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी कोऑर्डिनेशन है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर हमारा एक जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे तो फिर हम जिंदा रह सकेंगे? नहीं। अगर हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ दे तो हम जिंदा रह सकेंगे? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? मस्कुलर मूवमेंट्स जो है वो मूवमेंट करता है, मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट के लिए, और मस्कुलर सिस्टम जो है वो स्मूथ मसल्स हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो स्मूथ रहे। जब ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं रहेगा तो बॉडी को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकेंगे, तो इसके बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर हार्ट काम करना छोड़ दे तब भी जो है वो हम जिंदा नहीं रह सकते, रेस्पिरेशन बंद हो जाए तब भी जिंदा नहीं रह सकते। तो देयर इज़ कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स टू अकॉम्प्लिश अ स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट अकर्स इन द एट द इंडिविजुअल लेवल। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में क्या होता है? इंडिविजुअल्स, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड जिसको हम स्पीशी कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर और एट द सेम टाइम, अगर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं देन दे विल फॉर्म द पॉपुलेशन। इसकी मिसाल हम देते हैं जो बुक में भी दी है, ह्यूमन की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, ये कितनी है? 173.5 मिलियन। अब देखिए पॉपुलेशन लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने तीन चीज़ें देखी हैं, सेम काइंड यानी सेम स्पीशी, नंबर टू एक ही जगह पर हों और एक ही वक्त में हों, एक ही वक्त में हों तो देन दे विल फॉर्म द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें, ये सेम स्पीशी है, ह्यूमन पॉपुलेशन एट द सेम प्लेस पाकिस्तान, टाइम 2010। तो पाकिस्तान की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो 2010 में 173.5 मिलियन है, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या होती है? अब यहाँ पर सेम काइंड था, यानी एक ही तरह के इंडिविजुअल थे, अब यहाँ पे हम कह देते हैं दैट इज़ द असेंबलेज ऑफ
असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशी इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशी अगर डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एक जगह पे इकट्ठे हों एंड इंटरैक्ट एट द सेम प्लेस दे विल फॉर्म द कम्युनिटी कम्युनिटी का एक फीचर है वो फीचर क्या है वो फीचर है दैट इज द डायनेमिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक कम्युनिटी के अंदर डायनामिक कलेक्शंस ऑफ स्पीशीज डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक दैट मीन्स वन स्पीशी वन स्पीशी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग अगर एक पॉपुलेशन बढ़ती है दूसरी कम होती है अगर एक कम होती है दूसरी ज़्यादा हो जाती है मिसाल के तौर पे फॉरेस्ट के अंदर जो कार्निवोर्स एनिमल्स भी रहते हैं और कार्निवोर्स के साथ हर्बीवोर्स भी रहते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं अब अगर हर्बीवोर्स कम हो जाते हैं तो जारी बात है उनकी खुराक कम होगी तो कार्निवोर्स भी कम हो जाएंगे गोश्तखोर जो जानवर हैं जो शिकार करने वाले हैं अगर शिकार कम हो जाता है तो शिकारी भी कम हो जाते हैं अगर शिकार ज़्यादा हो जाता है तो शिकारी भी ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरीके से इनका एक बैलेंस है कुदरत ने एक बैलेंस रखा हुआ है फिर जो कम्युनिटी है वो दो किस्म की होती है एक है सिंपल कम्युनिटी सिंपल कम्युनिटी क्या है दैट कंसिस्ट ऑफ फ्यू स्पीशीज चंद एक स्पीशीज पर मुश्तमिल होती है और अगर वहाँ पर जहाँ पर कम्युनिटी रहती है अगर कोई चेंज आती है तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो सकती हैं इसकी एग्जांपल देते हैं फॉलन लॉग लकड़ी का टुकड़ा दरख्त का टुकड़ा जो है दरख्त गिरा हुआ है उसके नीचे जो है कीड़े मकोड़े हैं इन्होंने बसेरा कर लिया हुआ है तो जब ये फॉलन लॉग को उठा लिया जाता है तो फिर वो जो पॉपुलेशन है कीड़े मकोड़ों की इंसेक्ट्स की वो भी ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि एनी ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन काज द एक्सटिंक्शन ऑफ द सॉरी एक्सटिंक्शन नहीं कहते कैन काज द मतलब ये कि सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं वहाँ से तो दूसरी जो कम्युनिटी है वो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी
कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती हैं, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पीशी पाई जाए। वो जगह जहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्पीशीज़ हों और फिर क्या करें, वो इंटरैक्ट करें, इंटरैक्टिंग, दैट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इसकी एग्जांपल है। तो उसके बाद अगला जो लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल, लेकिन इससे पहले हम इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम वो एरिया है, एरिया वेयर बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट विद ईच अदर। बायोटिक कौन से होते हैं, लिविंग, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। और एबायोटिक कौन से हैं, नॉन लिविंग, जैसे वाटर है, सॉयल है, एयर है, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी इंटरेक्शन होती है और एक बैलेंस होता है, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो बायोस्फीयर है वो क्या चीज़ है, बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन जोन ऑफ अर्थ यानी जिंदगी का दायरा। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स of different species live and interact with environment। तो ये आपको अच्छी तरह पता भी है कि समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक ज़िंदगी मौजूद है, तो यही, इसी को हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ। जहाँ जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है वो कहाँ कहाँ पर है, समंदर की तह से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक ये ज़िंदगी वहाँ पर मौजूद है, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये कुछ लेवल्स, नेक्स्ट लेवल्स हमने देखे, इसको सम अप करते हैं। इंडिविजुअल लेवल, जिसमें ऑर्गन सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेशन के साथ मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं और इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। फिर पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स यानी एक ही किस्म के इंडिविजुअल्स एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं एक ही वक्त में, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी क्या है, जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ इकट्ठे होते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और उसके बाद इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, एरिया वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर।
उसके बाद फिर बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ। और ये जोन ऑफ लाइफ आपको पता है ये फ्रॉम बॉटम ऑफ ओशियन टू टॉप ऑफ माउंटेन्स, यहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी रेंज है। तो स्टूडेंट्स, कल हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इसको आप तैयार करें। कल हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिस्कस करेंगे, इसको आप तैयार करके आएँ। अल्लाह हाफिज़।